शहर के बचपन एकेडमी में गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रसाद चटर्जी ने कहा कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को सिख समुदाय द्वारा गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे और आज उनका 553वां जन्मदिन है। उनका जन्म नानका साहब में हुआ था। उन्होंने सदैव ईश्वर की भक्ति और अच्छे कर्मों को करने का उपदेश दिए। उनके गीतांश में यह कहा गया है कि ईश्वर एक है, वह आदिकाल से लेकर अनंत काल तक रहेंगे। उनका नाम सच्चा है एवं गुरु के माध्यम से हमें इस बात का पता चला है। उनका नाम हमें सदैव लेते रहना चाहिए और हमेशा भक्ति एवं सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका साकीबा सबनम, ईरम शमशेर, इशिका मोदी, कोनिका शोभा, मिस लाइबा, देवश्री के अलावे अन्य शिक्षिका तथा 200 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। मधुपुर में इन दिनों मजदूरों के बीच बाहरी भीतरी का खेल शुरू हो गया है। स्थानीय मजदूर प्रवासी मजदूरों का विरोध कर रहे हैं। मामले को लेकर आज असंगठित मजदूर संघ ने मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी आशीष अग्रवाल को एक ज्ञापन सौंपकर यहां के सभी सरकारी व गैर सरकारी निर्माण कार्यों में स्थानीय मजदूरों को ही काम देने की मांग की। बता दें कि मधुपुर में निर्माण कार्यों में राजमिस्त्री, प्लम्बर मिस्त्री, दैनिक मजदूर बड़ी संख्या में बंगाल के मुर्शिदाबाद, बिहार व अन्य राज्यों से आते हैं। मामले को लेकर बीते दिन स्थानीय मजदूर व प्रवासी मजदूरों के बीच मारपीट की भी घटना हुई है। बाहरी मजदूरों से काम कराना बंद करो। मधुपुर स्थानीय मजदूर असंगठित मजदूर के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें इन लोगों का मांग है और हमारा भी मांग है कि जो हमारे स्थानीय लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, केवल इसलिए कि बंगाल और बिहार से लोग मजदूर आ गए हैं यहाँ पर और यहाँ के जो न्यूनतम दर को खराब कर रहे हैं और वो लोग जगह जगह पर जाके अपना काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम मजदूरों को हमारा अपील होगा कि आप जितना जल्दी हो सके मधुपुर को आप छोड़ दें, और अगर आप नहीं छोड़ते हैं और स्थानीय मजदूर के द्वारा अगर किसी अप्रिय घटना को घटाया जाता है, आपके साथ छेड़छाड़ मारपीट किया जाता है, आपको बंधक बनाया जाता है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मैं इस तमाम चीजों की सूचना स्थानीय प्रशासन को, माननीय मंत्री को और इस मीडिया के माध्यम से मैं डीसी साहब को भी ये सूचना देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की अगर अप्रिय घटना घटती है इसके लिए यहाँ के सिस्टम जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यहाँ के मजदूर भुखमरी के कगार पर है। अगर इसे अभी रोजगार नहीं मिला गया तो ना जाने किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए हम तमाम लोग अपने प्रशासनिक स्तर पर अपनी सूचना उपलब्ध करा रहे हैं ताकि हमारे मजदूर पर कल किसी तरह का उंगली ना उठे। ये हक की लड़ाई है और हम अपने लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। मधुपुर में स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली प्रखंड परिसर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण की। इस दौरान रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने लोगों को मतदाता सूची में नाम अंकित करवाने व लोकतंत्र में मतदान की महत्ता की जानकारी भी दी। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा SDO आशीष अग्रवाल, PDO राजीव कुमार सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत अनुमंडलीय अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का जांच हेतु एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महिला चिकित्सक डॉक्टर आशा के द्वारा 195 महिलाओं का प्रीनेटल चेकअप किया गया। जानकारी हो कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जाँच किया जाता है। स्वास्थ्य जांच में महिलाओं का रक्तचाप, हेमोग्लोबिन, शुगर, वजन एवं बच्चे की स्थिति की जांच की गई। गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराया गया, जिसमें सभी सामान्य पाए गए। किसी महिलाओं में पेट दर्द, उल्टी आदि की शिकायत पाई गई, उन्हें दवा दिया गया और कहा गया कि गर्भधारण के दौरान यह समस्या आम है, ज़्यादा दर्द होने पर अस्पताल में तुरंत आने की सलाह दी गई। हालांकि चिकित्सक के द्वारा गर्भवती माताओं को कम से कम दवा के सेवन की सलाह दी गई। स्वास्थ्य जाँच में महिला चिकित्सक ने गर्भवती महिलाओं को मॉर्निंग वॉक, व्यायाम एवं उचित खान पान की सलाह दी। सभी महिलाओं को आयरन एवं कैल्शियम की गोली दी गई एवं जांच भी निःशुल्क किया गया। इस दौरान चिकित्सक ने महिलाओं को हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने हेतु हरी शाक सब्जी, फल एवं विटामिन के सेवन पर जोर देने को कहा।
महिलाओं का एचआईवी जांच भी किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में भी गर्भवती महिलाओं का जांच कैंप लगाया गया, साथ ही एनसीडी स्क्रीनिंग भी किया गया। मौके पर लूशी कुमारी, प्रतिभा कुमारी, नित्यानंद मेहरा, शोहेब आलम समेत चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। मधुपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ में राहगीर से मारपीट व लूट मामले में पुलिस ने सुजीत रजक नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया। बता दें कि आरोपी अपने 3 अन्य सहयोगियों की मदद से एक राहगीर से मारपीट कर नकदी व मोबाइल छीन लिया था। राजबाड़ी रोड स्थित संत कोलंबस चर्च में मंगलवार को युवाओं के बीच एक दिवसीय प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मधुपुर, गिरिडीह समेत आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के चर्च के युवा प्रतिभा के हिस्सा लिए। सभी ने अपनी काबिलियतारी प्रस्तुति की। मौके पर सूबे के मंत्री हफीजुल हसन ने सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर चर्च के फादर समेत अजय सचिव अजय कुमार, संजय मुर्मू, मोनू समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। Oh, 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 oh
का कार्यक्रम देवघर जिले में व्यापक और नियम के तहत करने का निर्णय लिया हम लोगों ने। कल का जो कार्यक्रम है वो करों में है, अब फिर हम लोग करों के बाद दूसरे प्रखंडों में भी जाएंगे और फिर देवघर जिला में भी हम लोग इस कार्यक्रम को देवघर प्रखंड में और नगर में व्यापक रूप से हम लोग करने का योजना मैंने बनाया है। यह कार्यक्रम चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय का कार्यक्रम है और उसमें राहुल जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा का कार्यक्रम आरंभ किए हैं और करीब 62 दिन या 65 दिन करीब करीब वो पदयात्रा कर चुके हैं। उसमें मैं हमारा हमारे पार्टी का और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो नफरत की जो राजनीति अभी भारत सरकार कर रही है, नफरत को हटा करके हम एक दूसरे के दिलों को जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं। नफरत हटाओ, दिल को दिल से जोड़ो, ताकि देश में एक अच्छा माहौल रहे, नफरत का माहौल नहीं रहे, भाईचारगी और प्रेम का माहौल रहे, जिसके चलते ये मैं उद्देश्य ये है। दूसरा है संविधान बचाओ। संविधान बचाओ इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सारी संस्थाओं को भारत सरकार ने निपंसक और खत्म कर कि अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि हम लोगों ने जो शासन काल में जितने डेवलपमेंट किए थे, चाहे वो रेल हो, हवाई जहाज हो, BSNL हो, कोल इंडिया हो, इंडियन ऑयल हो और बहुत बड़े बड़े कंपनियां, जिसको हम लोग के समय में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस राज में बनी थी, उस सब को ये बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए, महंगाई से परेशान है लोग। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस क्षेत्र के मधुपुर क्षेत्र के कोरों की ग्रामीण जनता कोरों की जनता से देवघर नगर के तमाम भाइयों बहनों से देवघर प्रखंड के सभी भाइयों बहनों से और जिले के सभी भाइयों बहनों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस पदयात्रा में हमें हमारा आप समर्थन करें, इस पदयात्रा में भाग लें और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर पदयात्रा आप नहीं कर सकते हैं तो दिल से हमारा इस यात्रा का समर्थन करें, उसी से हम समझ जाएंगे कि आप हमारे यात्रा में सम्मिलित हो चुके हैं। आपका समर्थन भी दिल से बहुत मायने रखता है। संभव हो तो पदयात्रा में साथ दें, संभव नहीं हो
तो आप मौन रूप से जो है हमारा समर्थन करें, ताकि देश की जो वातावरण है उसको हम सुधार सकें, हमारी पार्टी सुधार सके और यह पदयात्रा एक व्यापक रूप पूरे देश के रूप में देश में जगह बनावे और